दोस्तों, एंटरटेनमेंट के मामले में आज टीवी इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ चुकी है, जिसमें हमें ना जाने कितने ही इंटरेस्टिंग टीवी सीरियल देखने को मिले हैं, जहां मेकर्स को नए कॉन्सेप्ट और कहानी के साथ पर्दे पर सीरियल लाते देखा जाता है। चाहे फिर बात ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सुपरहिट सीरियल की हो, या फिर नागिन जैसे लॉन्ग रनिंग सीरियल की, जिसने अपनी यूनिकॉर्न और न्यू स्टोरी से देशभर के लोगों का दिल जीता है। लेकिन क्या आप यकीन भी करेंगे कि इन्हीं टीवी सीरियल में से कुछ सीरियल ऐसे भी रहे हैं जिनकी कहानी ओरिजिनल नहीं बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर्ड रही है? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा टीवी सीरियल से रूबरू करवाने वाले हैं जिनकी स्टोरी है फिल्मों से इंस्पायर्ड। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन्हीं टीवी सीरियल्स के बारे में। नंबर एक, सिर्फ तुम। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम शुमार है कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा सीरियल सिर्फ तुम का, जिसमें हमें अभिनेता विवियन डिसेना के साथ ईशा सिंह दिखाई दे रही हैं। बता दें कि इस सीरियल की स्टोरी बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म कबीर सिंह से इंस्पायर्ड है। जिस तरह से फिल्म में कबीर को प्रीति के लिए सरफिरे आशिक के तौर पर देखा गया था, ठीक उसी तरह सीरियल में विवियन डिसेना को रणबीर का किरदार निभाते हुए सुहानी बनी ईशा के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव देखा जाता है। नंबर दो, बड़ो बहू। टीवी इंडस्ट्री के एंटरटेनिंग सीरियल बड़ो बहू का भी नाम इस लिस्ट में शुमार है, जो कि साल 2015 में आई आयुष्मान खुराना की सुपरहिट फिल्म दम लगा के हाइशा से इंस्पायर्ड है। बता दें कि जहां फिल्म में संध्या नाम की एक काफी मोटी लड़की की कहानी देखने को मिली थी, तो वहीं बड़ो बहू सीरियल की कहानी भी कुछ इसी तरह की थी, और इस सीरियल को अभिनेता प्रिंस नरूला के साथ दर्शकों ने खूब पसंद किया था। नंबर तीन, जाना ना दिल से दूर। इस लिस्ट में एक नाम साल 2016 में आई टीवी सीरियल जाना ना दिल से दूर का भी शुमार है, जो कि साल 1999 में आई सलमान खान और ऐश्वर्या राय की सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम से इंस्पायर था। जहां फिल्म में समीर नंदिनी के प्यार में पूरी तरह पागल हो जाता है, ठीक उसी तरह सीरियल में अभिनेता विक्रम सिंह चौहान ने भी इसी तरह का किरदार अदा किया था, और अभिनेत्री शिवानी के साथ उनकी ये जोड़ी खूब पसंद की गई थी। नंबर चार, क्या हुआ तेरा वादा। इस लिस्ट की चौथी कड़ी में बात करते हैं साल 2012 में आए टीवी सीरियल क्या हुआ तेरा वादा के बारे में, जो भी सलमान खान की सुपरहिट फिल्म रही बीवी नंबर वन से इंस्पायर्ड रहा है। बता दें कि इस सीरियल में हमें मोली और अनन्या की कहानी देखने को मिली थी, जहां मोली का किसी दूसरी महिला से अफेयर होता है, और इसी तरह की स्टोरी फिल्म में भी देखी गई थी, जिस वजह से इस सीरियल को बीवी नंबर वन फिल्म से इंस्पायर्ड बताया जाता है। और इसी फिल्म से एक और सीरियल इंस्पायर्ड रहा है जिसका नाम है क्यों रिश्ते में कट्टी बट्टी, जिसमें भी कुछ इसी तरह की हस्बैंड वाइफ की कहानी देखने को मिली थी। नंबर पांच, जमाई राजा। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार होता है टीवी सीरियल में जमाई राजा का, जिसमें अभिनेता रवि दुबे और उनके साथ एक्ट्रेस निया शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आई थी, जिसमें हमें सिद्धार्थ नाम के जमाई राजा की कहानी देखने को मिली थी, जिनकी उनकी सासू माँ दुर्गा से बिल्कुल नहीं बनती, और सीरियल की यही स्टोरी साल 1990 में आई फिल्म जमाई राजा से इंस्पायर्ड है, जिसमें हमें अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित और सासू माँ के तौर पर हेमा मालिनी दिखाई दी थी, जिसमें भी दामाद और सासू माँ का रिश्ता कुछ इसी तरह का था। वेल दोस्तों, फिल्मों से इंस्पायर्ड इन सीरियल्स में से आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।